एसटीएस ऑनलाइन में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं विंडोज लोगों की का यूज। विंडोज लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण की है, इससे हम लोग बहुत सारा वर्क करते हैं, तो आज वही हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। विंडोज लोगों की का यूज देखने वाले हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग 11 यूज इसका देखने वाले हैं टोटल। हो सकता है कि इस वीडियो का दो पार्ट बन जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे विंडोज लोगो की के साथ डी से क्या होता है। विंडोज लोगो की, विंडोज का जो साइन है उसी को बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बिनकी बोलते हैं और पूरा नाम होता है इसका विंडोज लोगो की। तो पहले बिनकी प्लस डी से देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी ये भी एक मेरा प्रोग्राम ओपन है एक्सेल, इधर हम एक अपना गूगल क्रोम खोल रखे हैं, ये मेरा पावर पॉइंट है, ये वर्ड है, सारा प्रोग्राम ओपन है। अब हम विंडोज लोगो की के साथ डी प्रेस कर देते हैं, विंडोज लोगो की और डी। देखिए क्या हो गया, सारा प्रोग्राम मिनिमाइज हो गया। इसका मतलब विंडोज लोगो की और डी क्या करता है, डेस्कटॉप पे हमारा कंट्रोल लेके आ जाता है, जितना भी प्रोग्राम ओपन रखेंगे सारा को वो मिनिमाइज कर देगा। तो ये समझ गए विंडोज लोगो प्लस डी। अब दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या है, दूसरा है विंडोज लोगो की प्लस आर। विंडोज लोगो की प्लस आर से क्या होता है, रन खुलता है। अगर आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो पहले आप रन ओपन कर सकते हैं और उसके सहायता से प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। तो चलिए विंडोज लोगो की प्लस आर प्रेस कर देते हैं। कोई मैटर नहीं कि आप अभी कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप जैसे विंडोज लोगो की प्लस आर प्रेस करेंगे, देखिए ये रन आ चुका है। विंडोज लोगो की प्लस आर से क्या आ चुका है, रन। अब यहीं पे हम लोगों को एक प्रोग्राम खोलना है, रन से प्रोग्राम खोलना है ओएस के। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं ओएस के। तो रन का काम है प्रोग्राम ओपन करना, और रन ओपन करने के लिए अभी हम लोग विंडोज लोगो की प्लस आर प्रेस किए, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओपन रन बॉक्स। अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो देखिए ये विंडोज की है और यहाँ पे आर, देखिए रन ओपन हो गया। तो इस तरह से हम विंडोज लोगो की प्लस आर से रन ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको अगर नोटपैड ओपन करना होगा तो नोटपैड लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, अब आते हैं हम लोग उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला है विंडोज लोगो की प्लस ई। ई से माई कंप्यूटर ओपन होता है, या एक्सप्लोरर भी इसको बोलते हैं। देखिए बिन की प्लस ई प्रेस कर देते हैं और ये एक्सप्लोरर ओपन हो गया, माई कंप्यूटर ओपन हो गया। आप कहीं भी आपका कंट्रोल रहेगा, बिन की प्लस ई से क्या ओपन हो जाएगा, एक्सप्लोरर। अब आगे देखते हैं क्या है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे है बिन की प्लस एफ। अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी है और बिन की के साथ एफ प्रेस कर देंगे तो सीधा हम लोग सर्च में आ जाएंगे। देखिए ये माई कंप्यूटर आ गया, यहाँ सर्च आ गया। अभी मुझे यहाँ पे ढूंढना है सभी एक्सेल के फाइलों को, तो स्टार डॉट एक्स एल एस एक्स कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और ये हमको सर्च करके, देखिए यहाँ सर्च स्टार्ट हो गया, सर्च करके हमको बताएगा एक्सेल का फाइल कहाँ गया। देखिए सारा एक्सेल का फाइल यहाँ आने लगा। तो अभी हम लोग देख लिए चौथे नंबर पे बिन की प्लस एप था, जिसे हम लोग सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कंप्यूटर में। अब आगे देखते हैं पांचवा नंबर पे है बिन की प्लस टैब। बिन की प्लस टैब से क्या होता है, आप जितना भी प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं उसमें आप एक एक करके मूव करेंगे। अभी हम बिन की प्लस टैब प्रेस कर रहे हैं, देखिए थ्री डी बे में, देखिए ये अभी हमारा क्या आ गया, गूगल क्रोम आ गया, फिर क्या आ गया, वर्ड आ गया, फिर क्या आ गया, पावर पॉइंट आ गया, फिर डेस्कटॉप आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और अगर यहीं पे हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो रिवर्स में मूव करेंगे। देखिए शिफ्ट विंडोज की और टैब, तो कहाँ मूव करेंगे, रिवर्स में करेंगे, और विंडोज की के टैब के साथ कहाँ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, मतलब फॉरवर्ड करेंगे। अभी हम डेस्कटॉप पे छोड़ दिए तो डेस्कटॉप आ गया। अब फिर से देखिए, अभी हम यहाँ पे छोड़ दिए तो ये आ गया, फिर हम यहाँ पे, मतलब आप देख रहे हैं जो भी सामने आता है उसको छोड़ेंगे तो आ जाएगा। हालांकि मूव बिटवीन ओपन प्रोग्राम हम अल्ट टैब से भी करते हैं, लेकिन फिर इसमें इस तरह से आ जाएगा। देखिए अल्ट टैब से यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे सारा दिखाई दे रहा है, आपको जिस पे जाना है वो जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है,
अल्ट टैब भी है और विंडोज लोगों की इसके साथ टैब भी है। ये थोड़ा 3D व्यू में अच्छा लगता है। तो 4 नंबर में, 5 नंबर में ये था। छठे नंबर में देखते हैं क्या है। छठे नंबर में बिनकी प्लस एल, एल से हम अपने सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। देखिए बिनकी प्लस एल प्रेस कर रहे हैं अभी हम, बिनकी प्लस एल। तो देखिए हमारा सिस्टम लॉक हो गया। जो हमारा यूजर आईडी रहता है, शुरू में यूजर रहता है, वहाँ पासवर्ड डाला हुआ नहीं है। छठे नंबर पे विंडोज की प्लस एल था, लॉक था। सातवें नंबर पे क्या है, विंडोज लोगो की प्लस पाउज या ब्रेक, इससे सिस्टम प्रॉपर्टी आता है। मतलब हमारे सिस्टम में कितना रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, कितना प्रोसेसर है, ये सारा डिटेल दिखाना शुरू कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दबाते हैं विंडोज की प्लस पाउज ब्रेक। विंडोज की पाउज ब्रेक यहाँ पे की में रहता है, पाउज ब्रेक। देखिए अभी हम प्रेस कर दिए विंडोज की प्लस पाउज ब्रेक, और ये हमारा सिस्टम प्रॉपर्टी जब ओपन होने वाला है, विंडोज लोगो की प्लस पाउज ब्रेक। देखिए आ गया, आपको यहाँ सिस्टम प्रॉपर्टीज दिखाने लगा। व्यू बेसिक इंफॉर्मेशन योर कंप्यूटर, रेटिंग क्या है, कितना रैम लगा हुआ है, कितना प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम क्या है इसका, कौन से वर्क ग्रुप में काम कर रहा है, सारा चीज दिखाने लगा है ना। तो ये हो गया आपका, छठे नंबर पे था सिस्टम प्रॉपर्टीज दिखाएगा। सातवें नंबर पे था। आठवें नंबर पे है बिन की प्लस एक्स। ये बहुत ही काम का चीज़ है, लाजवाब चीज है। देखिए बिन की प्लस एक्स दबा दीजिए और देखिए क्या आ गया। ये आ गया विंडोज मोबिलिटी सेंटर, जिसमें डिस्प्ले का ब्राइटनेस वगैरह है, देखिए कम ज़्यादा हो रहा है, स्पीकर का है, बैटरी का है, वायरलेस ऑन ऑफ करने का है, वाईफाई आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं पीसी को प्रोजेक्टर वगैरह से, बहुत सारा चीज़ है इसमें। विंडोज की प्लस एक्स मोबिलिटी सेंटर आठवें नंबर पे था। नौवें नंबर पे देखते हैं क्या है। विंडोज के साथ है 1 2 3 4 5 जितना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास टास्क बार में प्रोग्राम पिन है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है हमारा टैली, ये है छठे नंबर पे है। तो बिन की के साथ 6 दबा देते हैं, देखिए कौन सा प्रोग्राम ओपन हो गया। बिन की के साथ 7 दबा देते हैं, देखिए ये प्रोग्राम ओपन हो रहा है। बिन की के साथ अगर हम लोग 2 दबा देंगे तो फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, क्योंकि फोटोशॉप दूसरे नंबर पे है। तो मतलब आपके प्रोग्राम में, आपके टास्क बार में जितना प्रोग्राम पिन है वो आप इसके साथ दबा सकते हैं और वो ओपन हो जाएगा। नौवें नंबर पे था। दसवें नंबर पे देखते हैं क्या है। बिन की प्लस बी सिस्टम ट्रे ये कहलाता है, इसमें हम चले जाएंगे बिन की प्लस बी से। ये देखिए सिस्टम ट्रे में हम आ चुके हैं। अब हम एरो की के सहायता से देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी हम स्पीकर में हैं, अभी आगे आ गए बैटरी पे, आ गए वाईफाई पे, आ गए यहाँ पे, आ गया अपना मैसेज पे, आ गए, देख रहे हैं आप चेंज हो रहा है। बी से आप सीधे सिस्टम ट्रे में चले जाएंगे। और 11वें नंबर पे है बिन की प्लस, प्लस और माइनस है या एस्केप है। बिन की के साथ प्लस दबाएंगे तो मेरा ये जूम होना शुरू हो जाएगा, देखिए जूम हो रहा है, मैग्नीफायर आ गया, पूरा स्क्रीन ही जूम हो रहा है बिन की के साथ प्लस दबाएंगे तो, और माइनस दबाएंगे तो जूम वापस छोटा हो जाएगा। आप डेस्कटॉप पे ही रहिए और बिन की प्लस दबाइए, देखिए जूम हो रहा है माइनस। अगर जूम आप कर लिए हैं तो बिन की के साथ एस्केप दबाएंगे तो सीधा नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो था ना लाजवाब आज का टॉपिक। आज हम लोग विंडोज लियो की के साथ जो 11 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखे। आशा करते हैं कि ये चीज आपको काम आएगा और उपयोग में आप इसको लाएंगे और ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।